हेलो दोस्तों, तो आ गए आपके लिए न्यू व्लॉग लेके। आज हम लोग जाने वाले हैं कहाँ हर्षित जी? बाद में बताएंगे आगे चल के। भरोसा नहीं, हम लोग कहीं और बता दे, कहीं और ये बाकी जुगाड़ है दोस्तों। सब जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। हम लोग चलते हैं, फिर बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर नजारा। बहुत ही बढ़िया नजारा, बहुत ही बढ़िया नजारा देख सकते हैं आप लोग। बहुत ही हरा हरा है, ऊपर नीला नीला है। दोनों को मिक्स बनाते हैं, चटनी बनाई है। ऐसी गाड़ी चला रहे हैं बिल्कुल किसी का नहीं ले जाए जाने का। भाई वहाँ पेट्रोल लगाएंगे, दीवा कर लो ना तो मर जाएंगे भाई। पता नहीं कहाँ पहुँच गए अभी। जो हरदुआ ये रोहन और वो संदीप है जो दिलिया दोनों, हाँ मतलब साहू जी दोनों, भाई इसको ये बुरा मान गया भाई। जो दो ये साहू जी है ये बता रहे थे बिजावगढ़ है, झूठ झूठ, इनको कुछ पता होता है नहीं। बोला मैं, मैं तो सही बोला। अरे मैं वो आगे दोनों की बात कर रहा, संदीप और कुआ की। तो अभी हम आ चुके हैं हरदुआ, ये हरदुआ है तो बिजावगढ़ मत समझिएगा क्योंकि है ही नहीं बिजावगढ़। ये दोनों को कुछ नहीं पता, तो पीछे चलो पीछे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया, ठीक है। हम लोग आगे नजारा दिखाते हैं आपको, तो चलते बिना किसी देरी के। पहली बार में इतनी अच्छी भैंसी और गैया देखा हूँ, इतनी सुंदर है। पहली बार गाय देखा हूँ, जंगल में पहुँच गया लग रहा अपन। अपन लोग तो शेर और देखते डेली। गरीब है तो आ गए अपन। कहाँ आ गए हैं हम? छिंदिया। छिंदिया, छिंदिया आ गए हम लोग। ये एक ठो मिल गया हम लोग को, कटनी जाना था, इसको भी तो उठा लिए। ठीक है चलो। हाँ मेरी जान, देख सकते हो अच्छा दिख रहा है, रुक जाइए मैं अभी अच्छा देख। हेलो दोस्तों, देख सकते हो हम लोग चश्मा लगा लिया हूँ मैं और मेरा भाई। हाँ मेरी जान, मेरी जान। ठीक है तो चलते हैं। मेरी जान, देख सकते हैं हम लोग कितनी ज्यादा रोड कितनी खराब है यहाँ। दिखाइए हर चीज रोड, दिखाइए भगवान को प्यारे होगा। हाँ दोस्तों, देखिए हम आ चुके हैं बरही स्टेशन। दोस्तों ये बरही जंक्शन है। बरही जंक्शन है कि जंक्शन है? इंजेक्शन है भाई, जंक्शन जंक्शन।
संदीप भैया की, संदीप भैया जैसे रहेंगे ना, ये सीधे लेके जा रहे थे, पुल दिख रहा होगा दोस्तों आपको, ये पुल में पानी भरा हुआ है, इसलिए हम यहाँ से जाएंगे घूम के रिटर्न होंगे। हाँ दोस्तों, ये ट्रेन का घर है दोस्तों, दिखाओ घर दिखाओ। हाँ, ट्रेन रहती है यहाँ, ट्रेन रहती है दोस्तों, खाना पीना यहीं मिलता ट्रेन को, खाना मुटना भी यहीं रहता है। आगे वो बनी है, देखो दोस्तों ट्रेन का इंजन जाता है, यहाँ उसके लिए लेटरिन बाथरूम है। हाय दोस्तों, हम आ चुके हैं, ये देखिए बरही, यहाँ पहले बस स्टैंड हुआ करता था दोस्तों, ये पुराना बस स्टैंड है बरही का जी। हाँ, अब हम बढ़ेंगे आगे, चलो बोलो भाई। उसी की वो है ना, ये वही बनवाई, संजय पाठक जी, हमारे श्रीमान संजय पाठक जी बनवाए, पहले बरही यही मतलब बरही में बनवाई। देखिए हम आ चुके हैं, इस गांव का नाम है उबरा, सुनने में अजीब सा है गांव भाई, एक नंबर है, यही कह रहे इधर दारू मिलती है। हाँ दोस्तों, अरे वही है ना, हम लोग कहाँ है, एक आए 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 आए, हम लोग कहाँ है दोस्तों, ये बहुत दूर है कंट्री से। कहाँ है? बहुत दूर है, इटमा, इटमा दोस्तों, इटमा, इटमा है दोस्तों। बढ़िया बैकग्राउंड है यहाँ पर, ख्यालों का शहर, तू जाने तेरे होने से ही आबाद है, हमारे हक में वही है, आते जाते जो तेरा नाम ले देती है, जो सदा मांगी है मेरी जान। देख सकते हैं यहाँ कितना अच्छा व्यू है, ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, क्या है ये, ब्रिज है, ब्रिज यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में आप दोस्तों, दूर दूर देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ कुछ गांव नहीं है दोस्तों अगल बगल, बहुत ही बढ़िया प्लेस है दोस्तों। ये कौन सा जगह बताया झिंटू जी आपने, कुटवा, कुटेश्वर बताया झिंटू जी ने, बहुत ही बढ़िया जगह है, मेरे को लग नहीं रहा है जहाँ आप ले जा रहे हो वहाँ कहीं घाट वाट है नहाने धोने का, वहाँ वहाँ डूब देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं ये दोस्तों, इसमें हमने खाने का सामान लाया, धीरे धीरे आ रहे हैं, दिखाता हूँ घूम करके, वो बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर ये ब्रिज के नीचे एडजस्ट गिर जाएगा हम लोग के ऊपर, मर जाएंगे हम लोग, तो देख सकते हैं ये बहुत बहुत बढ़िया प्लेस है ये। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं पानी गिर रहा था तो हम लोग दौड़ के आए यहाँ, ये खम्भा के नीचे घुस हो गए ना, घुस गए, देख सकते हैं कितना भीग चुका है, वापस लौट रहा है। हाँ गाइस, आज हम पहुँचेंगे बरही, बस हम दोस्तों आए थे नहाने, लेकिन पानी नहाने लायक नहीं था दोस्तों, और बहुत दिक्कत थी, अब नहाएंगे भाई कंचन खदान में। हाँ मेरी जान, बरही में मेला लगा है, अंदर जाएंगे नहीं मिलेगा, नहीं गेट लगा, ये झूला लगे हुए बरही टू बिजराहोगढ़ दोस्तों 25 किलोमीटर, फिर वहाँ से 30 किलोमीटर आगे पड़ेगा हमारा कटनी, चलते हैं, चलो मेरा भाई, ठीक है गाइस, चलते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे पेट्रोल खत्म हो गया, रही से घड़े आएगी लेकिन पेट्रोल नहीं खत्म हुआ, वो वाकई में खत्म हो गया पेट्रोल खत्म हो गया हमारी, इतनी अच्छी प्यारी प्यारी गड्डी थी गाड़ी। तो देखो इनको देख सकते हैं, पेट्रोल खत्म हो गया है, पगलावा रहा है, तो बैठे रहा से चुपचाप अंदर का सामान, गाड़ी चल रही है बैटरी वाली, तू मेरी। आ गए हम लोग बिजराहोगढ़ के किला, ये बहुत ही अच्छा किला है, काफी बार आ गया है लेकिन सोचा आए तो आपके लिए बरही टू किला पहुंच चुके, देख सकते दरवाजा है तो हम लोग अंदर जा रहे हैं, देखते फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अंदर खाने का सिस्टम जी। हाँ दोस्तों पहुंच चुके हैं किला,
वो सब पता है मुंशी के यहाँ है उसके यहाँ। जी हाँ दोस्तों, आ चुके हैं हम किला के अंदर, अब देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। समोसा भेलपुरी की दुकान तो नहीं दिख रही है यहाँ। राजा जी हाँ दोस्तों, पहले आप लाइक कर दो यार, आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, लेकिन लाइक कर दो दोस्तों। आइए वीडियो साइड जल्दी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये सीढ़ी बनी हुई है ऊपर चढ़ने की, यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, बताइए अपना किला, तो आएंगे अपन ऊपर। ऊपर जा रहे हैं ठीक है, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, चलते हैं। देख सकते हैं सामने से कितना अच्छा दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पहले राजा महाराजा लोग रहते थे, देखते हैं आज हम लोग भी शायद राजा महाराजा की एक आध महारानियाँ बची हो तो हम लोग कभी कम चल रहे हैं ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर इतना, तो दोस्तों देख सकते हैं अंदर, ये देख सकते हैं यहाँ से एक दरवाजा है, यहाँ से एक दरवाजा है ऊपर। महक बहुत गंदी है दोस्तों, यहीं पास भयंकर गंदा गंदा है भाई। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डला हुआ है, टट्टी डली हुई ऊपर चमकादड़। ठीक है हम लोग बाहर आ गए जल्दी से, नहीं तो हम लोग मर जाते। चमकादड़ थे उधर बहुत ही सारे थे, तो ये रानी का बेडरूम था दोस्तों, स्नान घर है दोस्तों, ये तो यहाँ पर रानी नहाती थी। नई दुनिया के मुताबिक विजयराघव गढ़ रियासत के राजा प्रयाग दास के पुत्र ठाकुर सरजू प्रसाद ने 1857 क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया था। पिता पुत्र अभेद्य विजयराघव गढ़ किले में रहा करते थे, सैकड़ों वर्षों बाद भी किले की कुछ विशेषताएं बरकरार है। ये किला सुरक्षात्मक बनावट नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। है वे यहाँ पर यहाँ पर महक बहुत गंदी आ रही है, वो गिलहरी बाग में है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना व्लॉग एंड होता है, लोग सुबह निकले तो शाम हो गई। अगला वीडियो आएगा दोस्तों हमारा बहुत ही जल्दी आएगा, आप लोग टेंशन मत करिएगा, बहुत ही जल्दी हम ये बताएगा नेक्स्ट कहाँ जाना है। ठीक है यहाँ पर चलते हैं, चल देंगे नेक्स्ट।